हेलो गाइस, दिस इज एंकर जॉन और आज मैं जा रहा हूँ अपने इवेंट को होस्ट करने के लिए प्री करवा चौथ और उसके बाद एक और इवेंट है। गाइस मैं पहुंच चुका हूँ अपने इवेंट पे और अश्मित वेन्यू के बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? पहले आप बता दो उसके बाद बाकी से। अमेजिंग गाइस, हम अभी टॉप रूफ पे हैं और देखिए लोकेशन का नाम है डरोमा। और हम यहाँ क्यों आए हैं गाइस? करवा चौथ गाइस, अब मैं जाऊंगा साउंड चेक करूंगा। साउंड चेक करने के बाद वेट करूंगा। वेट करना है सभी का यहाँ पे, जैसे जो आएंगे उसका अनुसार करेंगे। अभी यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स है जिन्होंने ये प्लान किया है, वो ऑलरेडी अपना काम कर रहे हैं। सब लोग बिजी हैं, बस यहाँ पे दो इंसान हैं जो बिल्कुल फ्री होके बैठे हैं। दाना गाइस, अभी जो टाइम है वो है फ्री टाइम और इस फ्री टाइम को हम यूटिलाइज करने वाले हैं अपनी बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करके। यार हमारा इवेंट्स का काम है और इवेंट्स में कहीं ना कहीं फोटोज लगानी है या कुछ करना है, तो जितनी फोटोज हमारे पास होगी उतना बेटर रहता है। जब भी ऐसा मौका मिलता है हम फोटोज खींचते हैं। गाइस शो से पहले मुझे जो अपने सॉन्ग्स वगैरह जो डीजे को नोट कराने होते हैं, अभी बस हम वही नोट करवा रहे हैं एंड 15 से 20 मिनट बाद हमारे क्लाइंट आ जाएंगे। उसके बाद हम वेट करेंगे हमारी ऑडियंस का और इकट्ठे होने का। जब हमारी ऑडियंस आ जाएगी एटलीस्ट मतलब 70% जब ऑडियंस आ जाएगी देन वी आर स्टार्ट। क्या हुआ? रीड नहीं कर रहा? मेरे पास एक और पेन ड्राइव है, मैं वो लेके आता हूँ। बट ये वाली भी तो कोई यूज करता यार। गाइज मैं मेरे पास बहुत सारी पेन ड्राइव पड़ी है, उन सभी में कुछ म्यूज़िक है जो मुझे चाहिए होता है अपनी एंकरिंग के थ्रू। और मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी पेन ड्राइव ही करप्ट हो जाती है। मेरी गाड़ी में अभी 15 से 20 पेन ड्राइव है और किसी को भी उठाओ लगाओ इसमें कंटेंट, मतलब वो दिखाएगा कि इतना स्पेस लिया हुआ है, कुछ है इसके अंदर मेमरीज, बट वो दिखता नहीं है। इतना वायरस आया हुआ है और कभी कभी तो हम पागल रहते हैं भाई, इसको हम किस तरीके से मैनेज करें। तो हमारे पास अब हमने यही डिसाइड किया है, अब एक नहीं हम 10 नहीं 20 पेन ड्राइव साथ लेके चलेंगे, कभी भी कुछ ना हो ऐसा। हेलो माइक्रोफोन चेक वन साउंड टेस्टिंग। हेलो हेलो चेक वन। हेलो हेलो दिस इज माइक्रोफोन चेक वन रिकॉर्ड साउंड चेक। हेलो चेक ओके। गाइस आज मैंने करानी है तंबोला और ये हमारे आगे है बहुत सारे गिफ्ट्स, मैम प्रिपेयर कर रहे हैं कौन से गिफ्ट कहाँ पे होने चाहिए। मैम के आने के बाद काम हो रहा है बहुत जल्दी, यहाँ देख सकते हैं कारपेट कुरपेट हर को हर लोग थोड़े से एक्टिव हो गए अब। सो फाइनली गाइस हमारी ऑडियंस यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे अगर हो पाए। ओके आप सब अमेजिंग हो, प्लीज थैंक यू सो मच, आप ये रिटर्न कर दीजिए। ओके एंड एवरीबॉडी प्लीज हमारे यहाँ फोटोग्राफी जो टीम है वो लाइव पार्टी हिट हो गई है। Yeah.
पूछना चाहूंगा निधि मैम, जहां भी आप हैं प्लीज कुछ प्राइसेस मुझे यहां पे दे दीजिए। आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं इस गेम में, जो प्राइस मिलेंगे ठीक है। आप भी स्टेज पे अगला गाना प्ले करते हैं। फ्रेंड्स, आज हमारा करवा चौथ का फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया, और देखिए चांद कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। ओके गाइस, मैं अपने नेक्स्ट इवेंट के लिए आ चुका हूँ। आज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था लोकेशन का, मुझे लगा आज हमारा सेम, मतलब जैसे आज मेरा जो डे वाला फंक्शन था वो था पंचकुला सेक्टर 5 में, और मुझे ना नेक्स्ट इवेंट भी 5 में ही है, लेकिन मुझे उसके बाद जीरकपुर आना पड़ा, बट टाइम पे हो ही गया था। आजकल इतना बिजी रहता हूँ, मुझे डेट्स तो याद रहते हैं, लोकेशन वगैरह थोड़ा ऐसा हो ही जाता है, बट अभी हम इंजॉय कर रहे हैं। और गाइस, अपने गले को और ज़्यादा स्मूथ रखने के लिए मैं यहाँ पे कुछ पी रहा हूँ, वो है क्या, वो है ये सूप। गाइस, मुझे व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिलता, मैं क्या बताऊँ मैं आपको। जब देखता हूँ मैं काम पे जा रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ, कुछ हो रहा हूँ, मेरे माइंड में नहीं आता कि यार व्लॉग बनाना है, पर ये एक प्रॉमिस है कि मैं व्लॉग बनाता रहूँगा, आपको दिखाता रहूँगा कि काम कैसे मैं कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, और मे भी शायद आप किसी से लर्न कर सके या इन्जॉय कर सके, आपको एंटरटेन मैं कर सकूँ। और अभी लाइक अभी इस मोमेंट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, टाइम हुआ है 1 से 2 के बीच में कुछ टाइम है, और अभी हमने सारी चीज़ें करवा दी, यानी कि केक कटिंग करवा दी, एंट्री करवा दी, कपल से गेम करवा दी, अब बस परफॉर्मेंस होनी है, और परफॉर्मेंस के बाद मैं फ्री हूँ। बट सीरियसली व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा, और ये जो मैं टाइम निकाल रहा हूँ बहुत मुश्किल से निकाल रहा हूँ, जस्ट आप लोगों को